हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। इन दोनों को जो डिफरेंस है वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका रिटन मटेरियल जो है। सबसे पहले हम देखते हैं रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कह सकते हैं। देखो, जो डेविड रिकार्डो थे उन्होंने ये फर्स्ट पर्सन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रेंट को जो है डिफाइन किया था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के अंदर। और पहले रिकार्डो से सुक्राट्स एंड एडम स्मिथ ये मानते थे कि रेंट जो है नेचर की बाउंटी के नेचर की उदारता का परिणाम है, बट रिकार्डो ने कहा कि रेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द निगडलीनेस ऑफ द नेचर। निगडलीनेस ऑफ द नेचर होता है माइजरनेस कंजूसी, कि जो कुदरत है उसने जमीन जो दी है लिमिटेड दी है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रेंट उत्पन्न होता है। रेंट इस वजह से पैदा होता है क्योंकि जो सप्लाई ऑफ लैंड है डैट इज़ लिमिटेड। रिकार्डो से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एंडरसन थे, उनका ये मानना था कि रेंट जो है इस वजह से होता है क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड के अंदर डिफरेंस होता है। देखो, यहाँ पे जो रिकार्डो है उनका ये मानना है कि रेंट जो है सिर्फ लैंड को अवेलेबल है, और लैंड का जो पर्पज़ है वो कल्टिवेशन है, और जो मेन रीज़न है कि जो लैंड को रेंट उत्पन्न होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी लैंड होती है जिसके ऊपर हमें कोई रेंट नहीं मिलता, तो जो लैंड जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड के अंदर डिफरेंस होता है उसकी वजह से रेंट जो होता है पैदा होता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रिक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। कि देखो, जो सॉइल है उसकी ओरिजिनल पावर है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और जो ज़मीन से जो पैदावार होती है और जो हिस्सा हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं डैट इज़ कॉल्ड रेंट। अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो किस चीज़ पे फोकस करती है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है बेसिकली इसी का ही क्या है, जो रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट है इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ये जेएस मिल ने इसको डिस्कस किया था, बाद में इसको जेवंस, प्रैटो, मार्शल एंड जॉन रॉबिन्सन ने डिवेल्प किया है। देखो, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है इनका ये मानना है कि जो इकोनॉमिक रेंट है ये सिर्फ लैंड को ही प्राप्त नहीं होता, ये अदर फैक्टर्स को भी अवेलेबल होता है अगर उनकी सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है। इकोनॉमिक रेंट मे बी डिफाइंड एज द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इन एक्सेस ऑफ इट्स टोटल सप्लाई प्राइस। देखो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम पेमेंट करते हैं अगर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से वो पेमेंट ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है डैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। देखो, सप्लाई प्राइस का अर्थ होता है कि मिनिमम अर्निंग रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। जैसे मान लो ये व्यक्ति जो है उसको 5000 वो कमा रहा है, तो अगर हमने उसको दूसरी जॉब पे भेजना है तो कम से कम उसको 5000 जो है दूसरी जॉब में मिलना चाहिए, तो ये उसकी सप्लाई प्राइस है। अगर मान लो वहाँ पे उसको 10,000 मिलता है तो नेचुरली रेंट हो जाएगा एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग जो होती है सप्लाई प्राइस होती है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। देखो, अगर वो उसी जॉब के अंदर टिकता है तो वहाँ पे उसकी मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है उसको मिनिमम जो मिल रहा है 5000 है। अगर उसे दूसरी जॉब पे जाना है तो उसको या 5000 या उससे ज़्यादा मिले, अगर ज़्यादा मिलता है तो वो रेंट होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। देखो, यहाँ पे जो रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट है ये मानते हैं कि रेंट जो है डैट इज़ अवेलेबल ओनली टू द लैंड, बट लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है ये कहती है कि हर एक फैक्टर को जो है रेंट मिलता है अगर उसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग माइनस द ट्रांसफर अर्निंग। रेंट जो है ओरिजिनल डिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल है। यहाँ पे अगर हम बेसिकली जो रेंट है डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, कि जितना सप्लाई प्राइस से ज़्यादा मिलता है डैट इज़ कॉल्ड रेंट। और यहाँ पे जो रेंट है, जो रिकार्डिंग थ्योरी है ये कहते हैं कि रेंट जो होता है प्राइस के अंदर जो है एंटर नहीं करता, बल्कि रेंट जो है प्राइस के द्वारा डिटरमिन होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी है ये इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि रेंट जो है प्राइस के अंदर एंटर नहीं करता, बट अगर हम बेसिकली जो है
अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं तो ये रेंट जो है प्राइस के अंदर एंटर नहीं करता, बट अगर हम फर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये प्राइस के अंदर जो है एंटर करता है। यहाँ पे इकोनॉमी की जगह फर्म है। और उसी तरह देखो जो मॉडर्न थ्योरी है उसका ये मानना है कि रेंट जो है बेसिकली हर एक फैक्टर को मिलता है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है। रेंट मिलने की जो कंडीशन है कि जो फैक्टर है या तो वो स्पेसिफिक है या उसकी सप्लाई जो है डेट इज़ लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक, कि जो सप्लाई है उसकी लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेंट जो है उत्पन्न होता है। और उसी तरह देखो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है ये बेसिकली क्या है कि रिकार्डिंग थ्योरी का मॉडिफाइड एंड एम्पलीफाइड वर्जन है। एम्पलीफाइड का मतलब है कि ये बेस्ड रिकार्डिंग थ्योरी पे है बट उसका सुधरा हुआ रूप है। देखो ये जो थ्योरी है डैट इज़ दी एम्पलीफिकेशन ऑफ द रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। देखो जो रिकार्डिंग थ्योरी है ये कहते हैं कि सिर्फ लैंड को रेंट उत्पन्न होता है, और उनका ये मानना है कि इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी लैंड होती है जिसके ऊपर कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता, तो ये एक जो है रॉन्ग अजम्पशन है। तो बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको रेंट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो कहती है कि जैसे लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो इनको भी रेंट जो है पैदा होता है। रेंट देखो तभी मिलता है या तो वो फैक्टर स्पेसिफिक होता है या उसकी सप्लाई जो होती है लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होती है, कि सप्लाई को हम मन चाहे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखो जो रिकार्डिंग थ्योरी है वो कहती है कि जो लैंड है उसी को ही रेंट उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी जो है कि बेसिकली क्या होता है कि देखो लैंड को जो सारा का सारा इनकम होती है डैट इज़ कॉल्ड रेंट, बट जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनकी इनकम का कुछ हिस्सा जो होता है उनको हम रेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकार्डिंग थ्योरी जो रेंट है डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस ऑफ द मार्जिनल लैंड एंड डैट ऑफ द इंट्रा मार्जिनल लैंड। देखो मार्जिनल लैंड होती है जिसके ऊपर कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता, और रेंट इन रिकार्डिंग थ्योरी जो होता है उसको हम मेयर नहीं कर सकते। मॉडर्न थ्योरी जो है वो कहते हैं कि हम इसको मेयर कर सकते हैं, ये एक्चुअल रेंट माइनस ट्रांसफर अर्निंग होता है। और उसी तरह देखो जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है कि रेंट जो होता है इस मतलब उनका जो लॉजिक था वो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि रिकार्डो के मुताबिक क्या था कि स्केयरसिटी ऑफ लैंड की वजह से रेंट उत्पन्न होता है, क्योंकि लैंड स्केयर्स होती है तो नेचुरली उनको इन्फीरियर लैंड भी यूज़ करनी पड़ती है, या उसी लैंड के ऊपर जो है लेबर और कैपिटल की मात्रा जो है ज़्यादा करनी पड़ती है, तो जो डिफरेंस होता है सुपीरियर लैंड ओवर इन्फीरियर लैंड उसको हम रेंट कहते हैं। और उसी तरह जो मॉडर्न थ्योरी होती है उसने इसका साइंटिफिक रीज़न दिया है कि रेंट इस वजह से उत्पन्न होता है क्योंकि जो फैक्टर होता है उसकी स्पेसिफिक नेचर होती है, और स्पेसिफिक नेचर होने की वजह से क्या होता है कि उसको हम किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रेंट उत्पन्न होता है। और लैंड जो होती है कम्प्लीटली स्पेसिफिक होती है, तो इसकी पूरी की पूरी अर्निंग जो है उसको हम रेंट कहते हैं, बट जो अदर फैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं कुछ पार्ट तक, तो जो उनको स्पेसिफिसिटी की वजह से रेंट मिलता है जो उस पार्ट को हम जो है रेंट कहते हैं। और उसी तरह देखो जो रेंट एंड प्राइस है रिकार्डिंग थ्योरी के मुताबिक जो रेंट है वो प्राइस में एंटर नहीं करता, बट मॉडर्न थ्योरी जो कहती है कि अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट से देखें तो रेंट जो है प्राइस के अंदर एंटर नहीं करता, बट अगर हम फर्म के हिसाब से देखें तो ये प्राइस के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये पार्ट होता है।